और आप पिछले क्लास में भी इसको पढ़े हैं। कोई बच्चा अगर जानता है बता सकता है तो बताए कि कत्वा लय प्रत्यय किसे कहते हैं, कहाँ उसका प्रयोग होता है ना। अगर कोई जानता है तो इसे बताए, जानना तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये पिछले क्लास में भी आप पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वा लय हमारे जितने भी प्रत्यय पढ़ना है उसमें से कुछ प्रत्यय जो है उसको हमेशा हम पेयर में पढ़ते हैं। पेयर समझते हैं आप लोग, जोड़ा में पढ़ते हैं। तो जोड़ा में जो पढ़ते हैं वो क्या है, कत्वा लय आप जोड़ा में पढ़ते हैं, अक्तत्वतु जोड़ा में पढ़ते हैं, सत्रिसानत जोड़ा में पढ़ते हैं, तव्यतनियर जोड़ा में पढ़ते, तुमुन अलग पढ़ते। तो कुछ प्रत्यय हमको पेयर में पढ़ना है जिसमें कत्वा लय भी पेयर में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप जल्दी समझिएगा, पेयर में आप आसानी से समझिएगा, अलग अलग में आपको कंफ्यूजन बना का बना ही रह जाएगा। तो कत्वा लय के प्रत्यय के बारे में अगर कोई जानता है तो कोई बच्चा उत्तर दे सकता है, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, कोई बताओ एनीबडी। कोई नहीं पढ़ा, 8 क्लास वाला सब भुला गया, 8 क्लास में पढ़े कत्वा लय से सब खा गए आप लोग। किसी को याद नहीं, चलो फिर हम लोग आरंभ प्रारंभ से करते हैं। देखो पहले समझ लेना, लगता है आसान है और है भी आसान, आप उसको सीरियस समझते नहीं है ना। लग रहा है कि ये तो पहले से पढ़ा हुआ है, इसमें क्या रखा हुआ है, लेकिन अब पूछ दिए तो कोई नहीं बता रहा। कत्वा या लय प्रत्यय का प्रयोग जनरली बच्चा इतना बोल देता है कि सर कर अर्थ में लगता है, वा लगा रहता है, इतना बोल के काम चला लेता, तो इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। हमको इसका एप्रोप्रिएट जानकारी होना चाहिए कि कत्वा और लय प्रत्यय कहाँ लगता है, क्यों लगता है, लगने के बाद उसकी पहचान क्या है ना, किस कंडीशन में कत्वा लगेगा और किस कंडीशन में लय होगा। तो चलो तुमने क्या पढ़ा भूल गया 8 में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब आज की बात कर रहे हैं। तो आज की बात पहले लिखो, कत्वा लय प्रत्यय पहला कंडीशन, कत्वा और लय प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के साथ है ना, किया जाता है। ये पहला कंडीशन हुआ, बच्चे लिखते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। ठीक है, बच्चा लिखते भी रहेगा और सुनते समझते भी रहेगा। कत्वा या लय प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के साथ किया जाता है। अब कंडीशन है कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, पहले ये तो बच्चा जाने है ना, ये दूसरा कंडीशन हुआ, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे जब एक ही वाक्य में दो क्रिया का प्रयोग किया जाए, दो क्रिया का प्रयोग किया जाए तो पहले वाली क्रिया को, पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक
पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब एक ही वाक्य में दो क्रिया का प्रयोग किया जाए तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब पूर्वकालिक क्रिया के अंत में ही कर लगा होता है, हिंदी क्रिया कह देते हैं। आपको समझने के लिए जब उसको हिंदी में हम बोलते हैं, किसी क्रिया को जब हिंदी में हम बोलेंगे तो उसके अंत में कर का प्रयोग होगा प्रोनाउंसिएशन में। पूर्वकालिक हिंदी क्रिया के अंत में कर लगा रहा था। है ना, जैसे राम खाकर विद्यालय जाता है, सुनते भी रहना है, लिखते भी रहना है, समझते भी रहना है। तो राम हमारा इसमें सब्जेक्ट है, अब काम दो कर रहा है, खाने का भी और जाने का भी, खाना भी क्रिया जाना भी क्रिया। तो जो क्रिया पहले हो रही है, पहले हो रहा है खाना खाकर, उसी में कर लगेगा तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा, वरना वो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होगा। कर लगा के नहीं बोलेंगे, उसका अर्थ नहीं करेंगे तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं। तो पहले वाले में ही कर रहेगा तो ये पहचान हो जाएगी कि इसी में कत्वा या ल्य प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे ये भी क्रिया और ये भी क्रिया, तो ये क्रिया पहले हो रही है, इसी में कर लगा हुआ है, तो ये हमारा हो गया पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान से देखिएगा, मेरा सेंटेंस एक है, सब्जेक्ट एक है, वर्ब दो है, दो वर्ब में पहला है खाकर फिर है जाना, खाना भी क्रिया जाना भी क्रिया, तो इस पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसी में कत्वा प्रत्यय या ल्य प्रत्यय लगेगा। अब कंडीशन होता है कि तब कत्वा कहाँ लगेगा और ल्य कहाँ लगेगा। जब दोनों ही कर अर्थ में लगेगा तो हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे और ल्य प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करेंगे उसको हम आगे लिखेंगे। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब धातु के पहले कोई उपसर्ग नहीं लगा रहे। कर अर्थ का बोल दोनों में होगा, कत्वा में भी लेप में भी, लेकिन जिसमें धातु के पहले कोई उपसर्ग नहीं रहे, खाकर जाकर सोकर उठकर बैठकर घूमकर टहलकर, और उसका संस्कृत में हो जाए गत्वा पठित्वा दृष्टवा भ्रमित्वा भूतवा खादित्वा खेलित्वा, ये जितने भी वर्ड हम बोल गए ये किसी के पहले उपसर्ग नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया, जिसको हम संस्कृत में लिखेंगे तब ना पता चलेगा कि कत्वा और ले लगेगा कि ल्यप लगेगा, कहाँ लगेगा, किस में रहेगा। ये तो कर अर्थ समझने के लिए हमने लिख दिया आपको, और पहले क्रिया ये है तो इसका नाम हो गया पूर्वकालिक क्रिया। अब इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे राम खादित्वा खादित्वा विद्यालयम। आप देख, अब इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेशन किया, राम खादित्वा विद्यालयम गच्छति। अब ये खादित्वा लग गया तो कत्वा प्रत्यय जब किसी भी धातु में लगेगा तब उसका एंडिंग वा से होगा।
ठीक है, ये आगे लिखेंगे हम नियम में, आगे रूल में लिखने जा रहे हैं। हम अभी आपको पूर्वकालिक क्रिया समझा रहे हैं। तो राम खाकर विद्यालय जाता है, राम दो काम किया, खाने का भी और जाने का भी, खादित्वा। देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वा लगा हुआ है, क्योंकि इसका एंडिंग वा से हो रहा है, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा खाद प्लस कत्वा इक्वल टू खादित्वा, इसका अर्थ हो गया खाकर। तो जितने भी हमारे शब्द रूप, जितने भी कत वाले प्रत्यय वाले वर्ड होंगे सब में कर रहेगा, सब में कर रहेगा, है ना, खाकर। अब एकदम आसानी से समझिए, खाकर पहले आया है, इसका नाम पूर्वकालिक क्रिया हो गया। पूर्वकालिक क्रिया में कत्वा या लेप लगता है, कत्वा लेप लगने पर अंत में वा बचता है, तो कत्वा या बचेगा तो लेप, इसमें वा है यानी इसमें कत्वा है, धातु के पहले कोई उपसर्ग नहीं है इसलिए कत्वा है। कत्वा हमने अलग किया, इक्वल टू खादित्वा वर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है, अर्थ हुआ खाकर। अब हमको कंडीशन लिखना है कि किस कंडीशन में कत्वा लगता है, किस कंडीशन में लेप लगता है। फिर एक कंडीशन लिखना है कि कत्वा प्रत्यय लगने पर शेष क्या बचता है और लेप प्रत्यय लगने पर शेष क्या बचता है। क्या बज रहा है, फिर म्यूट कर देंगे, ऑल म्यूट, कहीं से आवाज आ रही है बंद करो उसको। फिर म्यूट कर देंगे, ऑल म्यूट। तो इतना लिखिए, ये हमारा हो गया अब ऊपर वाला मिटाने जा रहे हैं, मिटा दें और आगे लिखेंगे। मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, आगे इसको ऊपर का दो पॉइंट हम मिटाने जा रहे हैं, आप लिख लिए हैं तो अच्छी बात, इसको मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए, अब एक कंडीशन ये जानना है कि किस कंडीशन में कत्वा लगेगा, किस कंडीशन में लेप लगेगा। फिर एक कंडीशन बना दिए हम, जब धातु के पहले क्या लगा रहे, उपसर्ग लगा रहे तो कत्वा लगेगा। जब धातु के पहले उपसर्ग न लगा रहे तो कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, जब धातु के पहले उपसर्ग लगा रहे तो लेप प्रत्यय हो। ठीक है, लेप प्रत्यय होगा, क्या होगा जोड़ दो, ठीक है।
अब क्या कंडीशन जानना है, अगर ये धातु में प्रत्यय लगा हुआ आपको मिल जाए, संस्कृत का वर्ड मिल जाए, तब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसमें गत्वा है किसमें लेप। जिस संस्कृत धातु के अंत में वा लगा रहा है, यानी जिसका एंडिंग वा से होगा, खादित्वा, पठित्वा, गत्वा, भूत्वा, वो सारे में क्या लगा हुआ है, वो सारे में लगा हुआ है कत्वा प्रत्यय, और जिसका एंडिंग या से हो सारे में लगा हुआ रहेगा ल्यप। अगला कंडीशन लिखो, जिस संस्कृत धातु के अंत में या लगा रहे, उसमें कौन प्रत्यय है, उसमें ल्यप प्रत्यय। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लिखा दिया, ऐसे जैसे तरह कार अर्थ में कत्वा लप या लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, पांच उदाहरण कत्वा, पांच उदाहरण लेप, नहीं, ये मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम जड़ से इसका इलाज हम कर दिया। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप कॉपी में लिखिए और स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़िए, तब समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या दिखे। अब आगे एग्जाम्पल लिखाएंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाइए। अब इसके आगे एग्जाम्पल लिखाएंगे, हमारा पहला कंडीशन क्या कराएगी, जब धातु के पहले उपसर्ग नहीं लगा रहे, जैसे गत्वा गम प्लस कत्वा, खादित्वा खाद प्लस कत्वा, दृष्टवा दृष्ट प्लस कत्वा, धातु के पहले कोई उपसर्ग नहीं है और सब में वा है, सब में कर, दृष्टवा मैंने देखकर, गत्वा मैंने जाकर, खादित्वा मैंने खाकर, पठित्वा मैंने पढ़कर, यानी सब में लगा हुआ है कत्वा प्रत्यय। अब धातु के पहले उपसर्ग रहेगा तो ल्यप लगेगा, धातु के पहले उपसर्ग प्रणम्य, प्रणम्य में क्या हुआ, प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय, प्रणम्य माने प्रणाम करके, विहस्य, विहस्य माने हंसकर, वि उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय, विहस्य है ना, प्राप्य प्राप्त करके, प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय, यानी ल्यप प्रत्यय जब भी होगा तो वो तीन भाग में होगा, पहला उपसर्ग, दूसरा धातु, तीसरा प्रत्यय, लेकिन जिसमें ल्यप नहीं रहेगा दो भाग में होगा, धातु प्रत्यय, ठीक है। तो जिसमें दो भाग हुआ धातु प्रत्यय वो कत्वा है, जिसमें तीन भाग हुआ उपसर्ग है धातु है प्रत्यय वो हुआ। कत्वा हुआ एंडिंग वा से होगा, लेफ हुआ एंडिंग या से होगा, कंफर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होना चाहिए, आज के बाद नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कत्वा लेफ प्रत्यय कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, ये सारी चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। अब आगे जब एग्जाम्पल लिखाएंगे कत्वा का अलग लेफ का अलग, तो वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कितना समझ में आया सबको स्टूडेंट, समझ में आया, समझ में आया, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप एग्जाम्पल लिखेंगे कत्वा का अलग लेप का अलग, पहले कत्वा फिर लेप, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल होगा,